ग्वालियर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल परिसर में करीब 1.5 माह के मासूम बच्चे की लाश मिली है। बिना कपड़ों के इस बच्चे को कड़कड़ाती ठंड में किसने फेंका है, इसका पता नहीं चल पाया है। परिसर के आसपास सरकारी और कई निजी नर्सिंग होम संचालित हैं। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। ग्वालियर के 1000 बिस्तर वाले अस्पताल परिसर में सुबह एक बच्चे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह मजदूरों ने जब परिसर में बच्चे की छत विशत लाश को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना अपने ठेकेदार को दी। पुलिस ने मौके पर आकर बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया और उसके परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। बिना कपड़ों के इस बच्चे को कड़कड़ाती ठंड में किसने फेंका है, इसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है। करीब 1 से 1.5 महीने के बीच की उम्र वाले इस बच्चे के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके एक हाथ में नीडल जरूर लगी हुई थी। इससे यह पता चल रहा है कि बच्चा इलाजरत था। आज सुबह सूचना मिली कि जो 1000 बिस्तर वाला निर्माणाधीन जो कमला राजा हॉस्पिटल है, वहाँ एक नवजात शिशु का शव मिला है। उस जैसे ही सूचना मिली, तत्काल यहाँ से रवाना होकर शव को मॉर्चरी पहुँचाया गया। पोस्टमार्टम हेतु एवं उसके परिजनों की जांच हो रही है। हाँ, वो उसको जांच में है वो, और PM हेतु उसको मॉर्चरी पहुँचाया गया। उसके परिजनों की जाँच चल रही है, पतारसी हो रही है। अस्पताल कंपू स्थित ग्वालियर पाटरीज के परिसर में बनाया जा रहा है। यहाँ आसपास सरकारी और निजी कई नर्सिंग होम और अस्पताल संचालित हैं। बच्चा इलाजरत था, उसे इलाज के दौरान यहाँ फेंका गया है अथवा मौत के बाद, इसे लेकर पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी है। अस्पताल के आसपास के सभी नर्सिंग होम से जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है। आसपास के CCTV कैमरों की भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल कंपू पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।